नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस राज्य में पुणि 67 जीवन नेला कोरोना खोर्धारु सर्वाधिक 20 जनक मृत्यु सेपटे 24 घंटे 1948 पॉजिटिव चिन्हट खोर्धारु 480 कटकु 279 नुआ केस राजधानी में पोता होता मृतदेह को नहीं चांचल्य मंचेश्वर बरीमुंड पंचायत नदी पठार मिली डेड बॉडी चारिदिन पूर्व हत्या परे बाली रे पोता जाइथिबा संदेह घटनास्थल रे जांच करुछि साइंटिफिक टीम ब्रह्मपुर गोसाणी नुआका पुलिस हाथरे झाड़खंडी लुटेरा गैंग नौ डकायत गिरफ मोबाइल देशी बंदूक गुड़ी और बोमा जबत जातीय राजपथ में डकायत करने को योजना पोड़ा दाग को नहीं मिछ कहते कि विद्या भारती अर्घ सतरे नौ दिन तलर फोटो और भिडियो बढ़ाला संदेह हाथ आंगुठी में देखा जलिजार चिन्ह सेपटे आज डीएफओ को चेरा सुनावेश भांगा सांत सुना किरीटी भग्न किरीटी पिंधि दर्शन दे महाप्रभु रथ को विजय समय भांगी बाम पार्श्वर तृतीय किया पाखा लघुचाप रूप नेला बंगोपसगर सृष्टि घूर्णिवलय फल 27 जाए सारा राज्य में वर्षा संभावना 6 जिला येलो वार्निंग जारी 5 दिन जाए बर्षि 27 आसुची आउ एक लघुचाप यूपी को प्रधानमंत्री बम्पर गिफ्ट उत्तर प्रदेश को मिल 9 नुआ मेडिकल कॉलेज 30 जुलाई मोदी करेंगे लोकार्पण उद्घाटन उत्सव में 450 जन को दिया नियुक्ति पत्र संपूर्ण खबर को राज्य में कोरोना मृत्यु में लगुनि ब्रेक पुणि 67 जीवन नहीं भाइरस खोर्धा सर्वाधिक 20 जनों मृत्यु होपरी नवरंगपुर 6 पुरी और रायगड़ 5 जन लेखाएं मृतक रही राज्य में मोट कोरोना जनित मृत्यु संख्या 5308 सेपटे राज्य में 24 घंटे 1948 पॉजिटिव चिन्हट होती खोर्धा सर्वाधिक 480 कटकु 279 जाजपुर 115 जगत सिंहपुर 113 और केन्द्रापड़ 112 जन आक्रांत रही बाबद्रे अधिक सूचना पाई आम सहित भुवनेश्वर रिपोर्टर दिव्यज्योति महांती जोड़े रही दिव्य लगातार जो ट्रेंड आसुची राज्य में मृतकों संख्या बढ़ुची अर्थात मृतकों संख्या कमुनी और से पुणि राजधानी भुवनेश्वर आम देखु खोर्धार प्रत्येक दिन आक्रांतों संख्या बेसी रोच मृतकों संख्या ढेर अधिक रोच निश्चित भाव ट्विन सिटी वर्तमान गोटे मुंड बिंधार कारण पलटी सरकार सब प्रकार चेष्टा सत्ते सब प्रकार रणनीति सत्ते संक्रमित संख्या कमिबार ना धोनी दीर्घ दुई रु तीन मास हे ये संक्रमित संख्या गोटे प्लाटो स्टेज रही जाइए एवं देखिए आप जो कथा कहते हैं संक्रमण कमी आसवा हुए तो जुलाई एंड बेलू गोटे भल स्थित ओडिशा आई किंतु जदिओ ओडिशार सामग्रिक स्थित भल सिचुएशन को आसुची कटक भुवनेश्वर ए दुईटी सिटी वर्तमान अधिक चिंताजनक रही प्रत्येक दिन संक्रमण संख्या निहाती भाव में जो अनुपात कमी आता से अनुपात कमुना जहाँ को नहीं स्वतंत्र स्ट्राटेजी वर्तमान स्वास्थ्य विभाग बनवाक जाऊँगी और सहित एनफोर्समेंट को कड़ाकड़ी करने को यार भितर निर्देश दिखाई पुलिस प्रशासन को आ गोटे कथ आप देखिए यार भितर लगातार चार दिन हम 2000 तौक संक्रमित संख्या खसी समस्त गोटे भल दिगार यापर जो मृत्यु संख्या को नहीं जो भाई भाव में गोटे प्रश्न सृष्टि है मृत्यु संख्या के जहाँ सरकार तथ्य सूचना मिली मृत्युर जो हिसाब दिया शेष होगा जाऊँगी अर्थात जो ऑडिटेड रिपोर्ट रही आउ 10 रु 15 दिन भितर से ऑडिटेड रिपोर्ट शेष होपर मृत्युर जो भाई विभीषिका आम देखुचे कम हो आउ गोटे बड़ कथा आम जी लक्ष्य करवा जो केंद्रीय टीम आसी राज्य सरकार अनेक किसी परामर्श दे क्रम राज्य सरकार लगातार चार टी को गुरुत्व देते प्रथम ट्रेसिंग ट्रैकिंग ट्रीटमेंट एवं अन्य पटे टीकाकरण प्रधानमंत्री त्वरित ढंग से टीकाकरण किंतु गोटे चिंताजनक विषय आसुची संक्रमित संख्या कम रोचे किंतु मृतकों संख्या ढेर अधिक रोचे खोर्धार संक्रमित संख्या अधिक रोता बेले मृतकों संख्या अधिक रहा कोटी चिंता बढ़ुच्छ
आम सहित जोड़ रही आम प्रतिनिधि दिव्यज्योति महांती आसे परवर्त खबर को राजधानी रे हत्याकांड नदी पठार मिलला मृतदेह भुवनेश्वर मंचेश्वर थाना बरीमुंड पंचायत बालीजात्रा पड़िया निकटर गलित मृतदेह उद्धार कर पुलिस एवं घटनास्थल में पहुंचे सुराग खोजुच्छे साइंटिफिक टीम मृतदेह नदी पठार पोती हो रही देखि पुलिस को खबर देते अंचलवासी मृतकों परिचय मिल ना बेले तीन रु चार दिन तलु हत्या कर नदी पठार पोता जा सन्देह कर पुलिस घटनास्थल में पुलिस और साइंटिफिक टीम पहुंची तदंत आरंभ कर किछि दिन तले एठारे दुई गोष्ठी मध्यरे गंडगोल होइतिबा पुलिस को कहिछन्ते अंचलवासी तबे पुलिस से पेट्रोलिंग अभावरु एही अंचलरे बारंबार एभली घटना घटुथिबा अभिजोग होइछि। ए बाबत अधिक सूचना पाइ म सहित जोडै रहछन्ते हम भुवनेश्वर रिपोर्टर रोशन रथ। रोशन, साइंटिफिक टीम को अधिक कोन सुराक मिलिछि, कोन अपडेट आसुछि? देखो माधुरी, गत काली जेतेबेले एठी जो मृतदेह टी मिलिथिला सेतेबेले मृतदेहर हात बाली ऊपर को देखा जाउथला, पूरा बॉडी टी बाली तले पोती ही की रहितला। वर्तमान साइंटिफिक टीम पहुंची, मु आपन को चित्र देखिया को चाहिबी क्यों भली भाबरे डेड बॉडी टी बाली रे पोता ही की रहितला। वर्तमान साइंटिफिक टीम पहुंची बाली खोली पूरा मृतदेह को ठाबो करची बाहर करची एवं घटनास्थल रे भुवनेश्वर डीसीपी को समेत मंचेश्वर आईसी एवं बहु वरिष्ठ पुलिस अधिकारी माने अछंती एवं केउ परिस्थिति रे केमती मृतदेह हेची सार सुरा खोजुची साइंटिफिक टीम आसी पहुंचीची विभिन्न जिगरु तनाखना करा जाउची। गत काली जेतेबेले बॉडी टीम मिलिथिला से समय रे पुलिस रो गोटे टीम एठी तंबू बांधी जगी की बसथला, कारण किछि प्रमाण नष्ट न होए ताकू आखि आगे रखिथिले। वर्तमान स्पेशल स्क्वाड टीम मध्य पहुंचीची एवं केमती बॉडी टी को पोता जाइथला क्यों परिस्थिति रे हेइथला ताकू नै अधिक तनाघना करछि। जेहेतु बॉडी टी संपूर्ण भाव रे पची जाइछि, अनुमान करा जाउछि जे 4-5 दिन तळे बॉडी टी को बाली रे पोता जाइथिबो एवं किछि लोक स्थानीय लोक जहां आमे लोकंगटु बुझुतुलु किछि स्थानीय लोक देखिथिले 3-4 दिन तळे एठी किछि लोक मद पी पाटतुंड करथिले, तेणु तापर हुए तो उभय निज निज भितर बचसा होती तापर क्या हत्या कर देइछन्ति बोली अनुमान करा जाउछि। किंतु जो डेड बॉडी टी मिली एठू गोटे प्रकार निश्चित भाव स्पष्ट हो निर्मम भाव हत्या करा एवं स्थानीय लोक जितेबाला गत काली देखा पाई बाली रे डेड बॉडी टी रही एवं बाली ऊपर को केवल तार जो हाथ टी पची केवल हाथ टी रही अनुमान कर पुलिस को खबर देते तापर पुलिस पहुँची तदंत आरंभ कर आज सका साइंटिफिक टीम पहुँचवा पर बॉडी टी खोलिक बाहर कर नेते भावे सीधासल पूरा चित्र देखुंत भाव में बाली खोला चली मृतदेह को ठाब कर साइंटिफिक टीम पहुंची पुलिस अधिकारी माने अच्छा किंतु प्रकृत में ये घटना किभली घटला, ये मृतदेह कहार एवं केत घटना घटला, किए कहीं गोटे अनेक किसी प्रश्न सामना कसुच्छे कि प्रकृत में रोशन आम पूरा सीधासल विजुआल देखिपे। वर्तमान पुलिस एवं साइंटिफिक टीम समस्ते मुतन रही सहित बालीरु कि खोला जाऊँगी मृतदेह को से विषय में आम देखु किंतु पूरा पूरी से चित्र टी देखा चाहबू जेहतु पुलिस पक्षर बोधे बारण कर मना कर देखा चाहबू जे केते दिन है प्रकृत में केते दिन है किए कहीं से नहीं कौन से सुराक मिल पारे कि देखु वर्तमान सुधा केते दिन है प्रकृत में बॉडी टी पोता जाए से नहीं किसी सुराक मिल पारे किंतु बॉडी टी जो भाव में पूरा पूरी भाव में कला पड़ जाए पची जाए ताकू देखी अनुमान करा हुची जे हुए तो 4-5 दिन तलर बॉडी टी मारिकी पोती दि जाए जेहेतु ये अंचल एत लोक आसती कहीं गहली रही नए और निछाटिया अंचल रही नदी पठा रही काले कहीं जापारे और बॉडी टी आपे आपे मटी तले रही डिकम्पोज हो अनुमान जो मैंने भी हत्याकारी रही पोती दे हत्या करी बॉडी टी तेणु जितेबाला काली केवल आंगूठी और पापुली देखा जापर पुलिस सुराग पाई एटी अभोग पर पहुंची आज सका टीम पहुंचा पर मृतदेह टी बाली रू बाहर कर बॉडी रू जहाँ जमापड़ संपूर्ण भाव में बॉडी टी कला पड़ी सीधा दृश्य देखिपे बर्तमान समय जो चित्र आपने देखुं कि वर्तमान सर प्रतिक्रिया कर सर कौन से संग्रह कर सर प्रथम काली टू बॉडी टा मिलला नी कौन एपर्त पाइले इन्वेस्टिगेशन गत काली संध्या पाखापाखि 7:00 आमको खबर मिलला कि नदी पठारे जणकर हाथ देखा जाऊ तेणु गत काली रात सांगे सांगे आम पुलिस टीम आसते लाइट व्यवस्था करके आम एरियाटा को जांच करूँ एवं रात टेन्ट पकईकि एरियाटा को गार्ड कर रखिलु। आज सका साइंटिफिक टीम
ଏସିପି ଆଇଏସି ତାଙ୍କର ଟିମ୍ ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ଏରିଆଟାକୁ ସବୁ ଯାଞ୍ଚ କରାହେଇଛି। ତାପରେ ଆମର ଯେଉଁ 3D ସ୍କାନର ଅଛି କ୍ରାଇମ୍ ସିନ୍ର ଫଟୋଗ୍ରାଫିର, ତାକୁ 3D ସ୍କାନ୍ କର ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆସୁଛି। ଗତକାଲି ଠାରୁ ଏ ଚିତ୍ର ଆସୁଥିଲା ବା ଗତକାଲି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତନାଘନା ଚାଲିଥିଲା, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଗତକାଲି ରାତି ଠାରୁ କ୍ୟାମ୍ପ ଜଣାଇବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଯଦି କୌଣସି ମିସିଂ ପର୍ସନ ସାଙ୍ଗରେ ତାର ମ୍ୟାଚ କରେ ତାହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଅଦରୱାଇଜ ଆମେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ତାର ତଦନ୍ତ। ତାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫିଜିକାଲ ଲାଇନରେ ତାଙ୍କର ମୁହଁ ଡିସାପିୟର ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ବଡି ତାକୁ ଚିହ୍ନିବା ବି କଷ୍ଟ ହବ, ତ ଚିହ୍ନିବା କଷ୍ଟ ହବ। ବଡି ଡିକମ୍ପୋଜ ହେଇଯାଇଛି, 3-4 ଦିନର ପୁରୁଣା ବଡି ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଯାହା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ପାଖରେ ଯାହା କ୍ଲୁ ଅଛି, ଚପଲ ହେଲା, ଡ୍ରେସ୍ ହେଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆନୁମାନିକ ବୟସ ହେଲା ଏବଂ FMT ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେସ୍କୁ ଡିଟେକ୍ସନ୍। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କେତେ ରିପୋର୍ଟ କେତେ ଭାଇଟାଲ ଏଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ହେବ, ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ବହୁତ ଭାଇଟାଲ ହେବ। ଓକେ ସାର୍, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ ଏଇ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର କୌଣସି ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କହିଥାନ୍ତି, ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଲେଣି, ତାପରେ ସନ୍ଦେହଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ପୋତା ହେଇକି ଅଛି, ତେଣୁ ସନ୍ଦେହ ତ ହେଉଛି କି ଏଇଟା ନିହାତି ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ଏବଂ ଏ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ବାହାରର କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଥାଇପାରନ୍ତି। ଏବେ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା କହିବା ଆମ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଏଠି ଆସିକି ମଦ ପଠା ଏଠି ହେଇଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେକର୍ଡ କରୁଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ସମୟରେ ଏଠି କିଛି ପିଲା ଲୋକ ଆସିକି ବସନ୍ତି ବୋଲି। ଆମେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଯାହା କରିବୁ ତଦନ୍ତକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବଡିଟି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଡିକମ୍ପୋଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏହା ପୁରୁଷଙ୍କର କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କର ତାହା ମଧ୍ୟ କହି ହେଉନାହିଁ, ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ ବଡିକୁ ପଠାଯିବ, ଏଠି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଏମ୍ସକୁ ବଡିକୁ ପଠାଯିବ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ପାଇଁ। ଏବଂ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଏହାଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡେଥ୍ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିବା କଥା, କିଛି ଲୋକ ଆସି ଏଠି ମଦପଦ ମଧ୍ୟ ପିଅନ୍ତି, ସବୁ ଦିଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବୟାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ନିକଟସ୍ଥ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାୟର ହେଇଛି, କି ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଯଦି ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ କିଛି ମିଳେ, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କଟାମୁଣ୍ଡ ମାମଲା ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାମଲାରେ ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପୋଲିସ ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କ ଯେଉଁ ଡେଡ଼ବଡ଼ିଟି ମିଳିଥାଏ, ଡେଡ଼ବଡ଼ିର ପରିଚୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପରିଚୟ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଡେଡ଼ବଡ଼ିର, ତେଣୁ କେଉଁ କେଉଁ ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର କାହାର ମିସିଂ ରିପୋର୍ଟ ଦାୟର ଅଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଚପଲ ରହିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ କଲେକ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ତା ଆଧାରରେ ପ୍ରଥମେ ଡେଡ଼ବଡ଼ିର ପରିଚୟ ଖୋଜାଯିବ। ନିହାତି ଭାବେ ରୋଶନ, ପୁରାପୁରି ତମାମ ଭାବରେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଯେ କିଭଳି ଏବଂ ସେ ମୃତଦେହ କିଭଳି ସେଠାକୁ ଆସିଲା, କିଏ ମାରିଲା ଏବଂ ସେଠାରେ କିଏ ପୋତିଛି, ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରୋଶନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ଗୋଷାଣୀ ନୂଆଗାଁ ପୋଲିସ ହାତରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ, 9 ଡକାୟତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ 16 ମୋବାଇଲ, ଗୋଟିଏ ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ, 3 ଗୁଳି, 3 ବୋମା ସହ ବହୁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲ ଲୁଟ୍ କରୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଧରାପଡ଼ିଛି ପୋଲିସ ହାତରେ। ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ନମ୍ବର 16 ଖଜୁରିଆ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଡକାୟତ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ କେହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାଲିଚଳନ ଦେଖି ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲେ ଏବଂ 112କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ସେଠାରୁ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି। ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏକାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ए बाबदे अधिक सूचना सहित ब्रह्मपुर रिपोर्टर जोड़े रही पीतांबर नाहक फोन लाइन रे पीतांबर वर्तमान जो अपडेट आसुची बा डकायती गैंग को गोटे ठाप कर पुलिस पक्ष ठाप कर सीए हूँ झाड़खंडी पुणी तो मोटामोटी आम कहीपर कि पुलिस किभली सुराक पाई पुलिस किभली खबर पाई पुलिस पेट्रोलिंग व्यवस्था सठिक ढंग से चली ना कि ब्रह्मपुर कहले जेबले झारखंड आसिक गंजाम जिले लुट करते परवर्त समय पुलिस अवगत रोला गोटे पर गोटे एतला दि जाऊला जमीक मोबाइल लुट कथा कह विभिन्न लुट्र शिकार होता लोक कथा कह जमी हिंजिड़ी थाना गोसाणुआ थाना बैजनाथपुर थाना यह सब अभोग पर पुलिस जो भाव में तदंत करुला कि तदंत करने भितर कौन सुराग पाग ना किंतु वर्तमान समय जो खबर आसुची गोटे स्थान में जय राजपथर गोटे स्थान में पाखापाखि एकाधिक लोक कहीं अच्छा हाथ में मारणास्त्र कहीं अच्छी एमती कहीकि जिते लोकालीटी लोक पुलिस पेट्रोलिंग गाड़ी को फोन करोलींग गाड़ी पहुंची दूर रू देखी निश्चित भाव से गैंग को गैंग कमी अच्छा चालचलन को देखिकी निश्चित भाव सन्देह घर को आसा ता परवर्त समय पुलिस अधिकारी पहुंची पुलिस से गैंग को संपूर्ण भाव धरवे सफल होता सबुठ बड़ कथा होने झारखंड आसिकी गंजाम लुट तराज करुले नुआ नुआ नामी दामी मोबाइल पाखापाखि तीस रु अधिक मोबाइल जबत हो मारणास्त्र सहित विभिन्न व्यक्ति बंदूक गोली कथा कह सब जबत हो बर्तमान से बहु मारणास्त्र जबत कर न डकायत को गिरफ्त कर पुलिस और सेना कोर्ट चलाई कि प्रकृत में ये नौ जन डकायत भितर आउ किए रही सामिल खोलताड़ करवा खोजा पुलिस गोटे बड़ चैलेंज सृष्टि हो बहुत बहुत धन्यवाद ब्रह्मपुर आम प्रतिनिधि पीतांबर नाहक आम सहित जोड़े रही आगे जारी रही खबर अभियान समय एक छोट ब्रेक ब्रेक पर स्वागत सौम्यरंजन महापात्र मृत्यु मामलें नुआ ट्विस्ट वायरल ऑडियो और चिट्ठी पर संदेह विद्या फोटो फोटो रे विद्या भारती हाथ में पोड़ा दाग रही सौम्य पोड़ जाता बेले विद्या बचाई चेष्टा करें हाथ में पोड़ा दाग होता विद्या कहते हैं अर्गस सात लगी नौ दिन तलर ए भिडियो को नहीं एवं सन्देह बढ़ी कहीं मेडिकाल ए भिडियो विद्या हाथ व आंगुठी में क्योंठ भी पोड़ा दाग ना देखाई जहाँ विद्या बढ़ुवा सन्देह को आहरी घनीभूत करुच्चा मिले सब् प्रमाण विद्या और डीएफओ विरोध में जापटे कड़े गले डीएफओ संग्राम केशरी बेहरा सौम्य मृत्यु मामलें डीएफओ नाँ लगी दफा 302 सौम्य पत्नी विद्या भारती अनैतिक संपर्क अभोग हेले वर्तमान पर्यंत डीएफओ को कहीं जेरा कि गिरफ करा उठी बड़ प्रश्न पारल खेमुंडे स्थित डीएफओ ऑफिस रे ताला झुलुवा बेले खोज खबर ना वर्तमान पर्यंत डीएफओ को पचरा उचरा कर पुलिस एवं प्रश्न उठू कहीं डीएफओ को पचरा उचरा कर समय गड़ाई प्रमाण नष्ट कर चक्रांत नुहे तो ए बाबद अधिक सूचना पाई आम सहित आम रिपोर्टर संतोष जेना जोड़े रही संतोष वर्तमान कौन अपडेट आसूच आ कि समय पूर्व जहाँ अपडेट रही है डीएफओ को पचरा उचरा कर जेरा कर पुलिस पक्ष जेरा कर वर्तमान अपडेट देखो निशा माधुरी एपर्तंत जेकोसी तथ्य प्रमाण को नजर पकड़े ए सब तथ्य प्रमाण डीएफओ एवं विद्या भारती विरोध में जाऊँ सबुठ बड़ कथ पुलिस पाखे जो काम थिला विद्या भारती को जेरा करने सौम्य बापा माँ एवं तापर डीएफओ को जेरा कर वर्तमान केवल डीएफओ को जेरा करम बाकी रही है कहीं आप जानते दुई दिन पूर्व क्राइम ब्रांच गजपति पहुंची एवं लोकाल आयों सहित तो आलोचना करने आज डीएफओ को जेरा करतमान समय चर्चा जोर धरी तेरे सन्देह डीएफओ ना आज पर्यंत ऑफिस आसुचना घर बाहर ना गणमाध्यम हो कि पुलिस किंबा तांको बापा माँ आनीथिबा तांको विरोध रे थिबा अभिजोग विरोध रे कौनसी प्रकार स्पष्टीकरण रखिछंती आज पर्यंत डीएफओ देखा दर्शन मिलूनी एवं पुलिस तांको तदंत रे सामिल कर सारिबा परे बोधवे तांकर प्रतिक्रिया मिल पारे बोली आशा कराउछि किंतु विद्या भारती जेउ जेउ प्रतिक्रिया देइछंती पुलिस को एवं जेरा बेले जो सांघातिक तथ्य कहिछंती से तथ्य आधार रे सौम्यरंजन को बापा माँ आधार रे एवं डीएफओ को पुलिस एवं क्राइम ब्रांच जेरा करेंगे बर्तमान समय सूचना मिलूँ डीएफओ
किभली क्यों परिस्थिति रे तांको सहित संपर्क रखुथिले एवं परप्रिया प्रीतिर मध्य आभास जेतु आसीछि तार स्पष्टीकरण मध्य पुलिस आशा करिवो एवं एक कथा मध्य सामना को आसुछि जे डीएफओ सोमरंजन महापात्रंक मृत्यु दिन केते समय परे पहुचिले एवं डीएफओ को गाड़ी रे किए नै कि गला एवं केउं गाड़ी रे जाइथिले एवं तांकु के फोन करथिले ना से आपे आपे जानथिले हॉस्पिटल रे से केते समय थिले हॉस्पिटल रे विद्या भारतीक सहित तांकर कोन कथाबार्ता आइथिला एवं कटक एसपी पर्यंत से जाइथिले कि एवं जो कथा विद्या भारती चिठी सामना को आसी सौम्यरंजन विद्या भारती भितर जड़े तृतीय लोक अच्छा ये तृतीय लोक डीएफओ नुहत ये तृतीय जनक जे डीएफओ ये सब समस्या सृष्टि है तो एमती तमाम प्रश्न उपर क्राइम ब्रांच एवं स्थानीय गजपति पालाखेमुंडी पुलिस पूरा आलोचना करे तदंत करे पूरा स्पष्टीकरण सहित डीएफओ को आशा कर डीएफओ स्पष्टीकरण और गोटी गोटी प्रश्नर उत्तर देलापर डीएफओ जनापड़ प्रकृत में विद्या भारती सौम्य एवं डीएफओं जो तृतीय जनकर अभिनय डीएफओ अभिनय वर्तमान सुधा या भितर केते सत्यता अच्छी डीएफओ को जे डीएफओ एसीएफ को राति ड्यूटी पठाईदेवा विभिन्न रेंज पके रेंज रे ड्यूटी पकेबा अनेक समय धरी घरे अनुपस्थित रखेबा सौम्यरंजन को एमती अनेक अभियोग आसी ये सरकारी कागज पत्र ऑफिस कागज पत्र जांच कर सबूर तथ्य सामना को आसीबो तबे अपेक्षा रहुछि जे डीएफओ को तदंत कलापर पुलिस कौन प्रतिक्रिया रखुछि डीएफओ कौन स्पष्टीकरण रखुछन किंतु संतोष काही केते विलंब आमे तो देखिलु जे जो विद्यांक परिवार लोक रहितले तांकु जेरा कराकला सौम्यंक परिवार लोकंकु जेरा कराकला घंटा घंटा धरी जेरा कराकला किंतु डीएफओ को पाखरे काही के पहुंचि परुनी पुलिस एते विलंब कोन पई क्षमताशाली लोकंक पई सब किछि माफ के देखो विगत दिन में आप जानते अनेक क्षमताशाली व्यक्ति राजनेता पर्यंत अनेक लोकों ना सांघातिक अभियोग आसी जो ओडिशा पुलिस सेमान तदंत परिसरभुक्त करने केबे साहस करना एवं सबुठ बड़ प्रश्न ये आपड़ जानते जे आईनर धारा कौची एजाबत जो घटना घटी अर्थात एसीएफ को सरकारी क्वार्टर ठू नहीं मेडिकल एवं एसीपी मेडिकल एवं कार्यालय पर्यंत जी तथ्य प्रमाण वर्तमान समय पुलिस हस्तगत हो सबुरे एतिक सफिसीयंट तथ्य प्रमाण अच्छी जो थे पुलिस अभियोग अणाइवा व्यक्ति विरोध में कार्यानुष्ठान ना कथा और गिरफदारी कर सारे मजिस्ट्रेट पाखे हाजर कर सारे से रिमांड नहीं पचराउचरा करने कथा किंतु कहा घरे बसी बापा भाई को सामना रे जेरा कले हुए तो जेरा किभली होइतबो या ए कथा अनेक आईनजीवी मध्य प्रश्न उठाउछन्ती साधारण लोकों को मध्य ए उपरे स्पष्टीकरण मध्य स्पष्टता मध्य आसी जाउछि जे बापा भाई थिबा उपस्थित रे घरे कबाट बंद करी कोनोसी मजिस्ट्रेट को उपस्थित रे जेतेबेले जेरा हुए जे जारारे अभियोग से केते सत्य मानव एक संदेह घर भितर को जाउछि अन्यपटे जणक परे जणक तदंत कले हुए तो तदंत बाटबणा हो पारे एति पई आमे मूलर प्रश्न उठाउछु विद्या भारती को जो प्रतिक्रिया से गणमाध्यम रखुचंती हुए तो से कौन कहिबे एवं पुलिस को कौन मिलिछि से आधार रे डीएफओ ता जेरा करिया परे अति चालाकीर सहित अति चतुरतार सहित प्रतिक्रिया रखि पारंती किंतु मुहामुही जेरा करिवार मध्य आवश्यकता रहिछि एवं खूब शीघ्र दु जणकर लाय डिटेक्शन टेस्ट मध्य कराउछि एवं फोन रो सीडीआर मध्य जांच करियार अछि एमिति अनेक व्यवस्था वर्तमान बाकी रहिथा बळे पुलिस केवल जिलारु जिला बुली जेरा करिवार अटकी लोकाल आयो बोध हुए तदंत क्राइम ब्रांच रो परामर्श को अपेक्षा करिसंती जो थरे डीएफओ को किंतु ये अपेक्षा रो अंत केबे घटिबो संतोष पटे बड़ प्रश्न आसुची जेहेतु प्रभावशाली रहउचंती बा क्षमताशाली लोक रहउचंती सरकारी अधिकारी को निकट रे पुलिस पहुंची पारु नै राज्य रो तो एभली अनेक चित्र आम देखी अनेक उदाहरण देखी जो थे कि क्षमताशाली लोक जो मैंने था सात कुन माफ कर बहुत बहुत धन्यवाद संतोष आपंकर तमाम सूचना आसिया परवर्त खबर को भुवनेश्वर पहुंचे राज्यसभा सांसद तथा ओडिशा बीजेपी पूर्वतन प्रभारी अरुण सिंह भुवनेश्वर विमान बंदर में पहुंचा पर दलर कर्मकर्ता स्वागत संबर्धना जनई नेता राष्ट्रीय मुखपात्र संबित पात्र भुवनेश्वर सांसद अपराजिता षडंगी प्रमुख उपस्थित थे जगन्नाथ मटी को आसी बहु खुशी लगुच दलर कार्य करने को सुजोग मिलव खुशी अनुभव करुँ अरुण सिंह आज सौभाग्य है मेरा कि मैं भारत की वो धरती जो हमेशा ही अजय रही विजय रही कल का कलिंगा आज का उड़ीसा और ये भगवान जगन्नाथ जी की भूमि है मैं यहाँ आया हूँ बहुत भाग्यशाली मानता हूँ और मैं शत शत नमन करता हूँ इस धरती को कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला है और पार्टी के काम करने का यहाँ मौका मिला खबर को सुना विषय भांगा महाप्रभु सुना किरीटी
ଭଗ୍ନ କିରୀଟି ପରିଧାନ କରି ଦର୍ଶନ ଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ବେଶ ସମୟରେ କିରୀଟିର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ତୃତୀୟ କିଆ ପାଖୁଡ଼ା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭଣ୍ଡାର ଘରୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଠିକ୍ ଥିଲା, ହେଲେ ରଥକୁ ବିଜେ ସମୟରେ ଏହା ଖସି ପଡ଼ିଥିବା କହିଛନ୍ତି ସେବକ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଅବଗତ ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ଆଜି ରଥ ଉପରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରପଣା ନୀତି, ରଥାରୂଢ଼ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବ ଅଧରପଣା। ଏହି ନୀତି ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ସିଂହାସନରେ ବିରାଜିତ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଅଧର ଉଚ୍ଚର ହାଣ୍ଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଧି ମୁତାବକ ତିନି ରଥରେ ମୋଟ ନଅଟି ମାଟିପାତ୍ରରେ ପଣା ଭୋଗ ହେବ। ସିଂହଦ୍ୱାର ସମ୍ମୁଖ ଛାଉଣୀ ମଠ କୂଅରୁ ପାଣି ଆସିବା ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ପଣା। କ୍ଷୀର, ସର, କଦଳୀ, ଛେନା, ଗୋଲମରିଚ, କର୍ପୁର, ଜାଇଫଳ ଆଦି ମିଶ୍ରଣରେ ଏହି ପଣା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏହି ପଣା ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗି ହେବା ପରେ ରଥ ଉପରେ ହାଣ୍ଡିକୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ। ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଅଶରୀରୀମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ରଥ ଉପରେ ପଣା ହାଣ୍ଡି ଭଙ୍ଗାଯାଇଥାଏ। ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ନେଲା ଲଘୁଚାପର ରୂପ, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ଯାଏଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷିବ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 27 ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି 23 ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦୁଝର ଓ ଦେବଗଡ଼ରେ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍ କୋଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।